अब गाइस आप सभी को याद होगा तो हमें नेमेट्रिक्स में एक ऐसा भी एलियन देखने को मिला था जो कि अपने डुप्लीकेट्स बना सकता था, जिसका नाम था पेनोसियन। तो इस वीडियो में मैं आपको पेनोसियन के पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में बताने वाला हूं, क्या कुछ स्पेशल बातें हैं पेनोसियन के बारे में। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखते रहना, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब हमें पेनोसियन जो है वो नेमेट्रिक्स में देखने को मिला था, जहाँ पर खाइबर इसको पकड़ता है। और गाइस खाइबर का जो डॉग है वो कितनी बार ट्रांसफॉर्म होते हुए दिख चुका है हमें पेनोसियन में। अगर मैं आपको पेनोसियन के पावर्स एंड एबिलिटीज बताऊँ तो पहला इसके पास पावर है सेल्फ डुप्लीकेशन का, यानी कि ये अपने आप को कितना भी डुप्लीकेट्स बना सकता है अपने आप से। मतलब कि जैसा हमारा एको करता है उसी तरह से ये सेम चीज़ कर सकता है। इसके अलावा इसके पास इनहेंस स्ट्रेंथ है, इनहेंस ड्यूरेबिलिटी है, इनहेंस स्पीड है, यानी कि ये इतनी तेज दौड़ सकता है जो एक नॉर्मल का स्पीड होता है उससे भी ये कई गुना ज्यादा स्पीड से दौड़ सकता है। इसके अलावा अंडर वाटर ब्रीदिंग भी ये कर सकता है, और वो भी वह स्पीड से स्विमिंग भी कर सकता है, मछली से भी ज्यादा तेज ये दौड़ सकता है। इसके अलावा इसके पास कोल्ड रेसिडेंस है, यानी कि ये ठंडे जगह में भी आराम से सर्वाइव कर सकता है। इसके अलावा इसके पास बीपी डायलिज्म है, इससे होता क्या है ये अपने शिकार को जैसे देख लेता है ये उसका पीछा तब तक नहीं छोड़ता है जब तक ये खा ना ले। अगर गाइस मैं आपको इसका कलर बताऊं तो वो हमें रेड कलर का देखने को मिलता है। बहुत ज्यादा बाल है इसके शरीर में, एक नुकीला पूंछ भी है, और वह पूंछ से वो बहुत अलग अलग तरह के अटैक कर सकता है। मतलब कि ये पूंछ के ही मदद से वो बहुत ज्यादा डैमेज दे सकता है। इसके जो पंजे होते हैं वो बहुत ज्यादा नुकीले होते हैं, अगर किसी के ऊपर एक बार पड़ा तो उसका हालत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। अगर ये किसी को चुभा भी देगा तो बहुत ज़्यादा उसको डैमेज पहुंचा सकता है। दो आपको बड़े बड़े दांत देखने को मिल रहे होंगे जो कि बहुत ज़्यादा नुकीले होते हैं। ये अपने दांतों का शिकार अपने शिकार को खाने के लिए करता है। ऊपर भी इसके एक सिंग आपको देखने को मिलेगा। और गाइस कलर वाइज जो है वो बहुत ज़्यादा ऑसम है। इसका कलर रेड कलर में ये और ज़्यादा एक विलन का हमें फील देता है। जो हमारे लायंस होते हैं उससे ये कई गुना ज़्यादा पावरफुल है। और गाइस जो पेनोसियन है उसने कई बार बैन को अच्छी टक्कर भी दी है, बैन के कई एलियंस को भी पकड़ा है। और इसका जो हाइट है वो गाइस बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ता रहता है, ऐसा कुछ लिखा गया है इसमें। और गाइस इसके ऊपर कोई अगर इलेक्ट्रिसिटी से अटैक करेगा तो ये बहुत हद तक उसको सह भी सकता है। इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी उतना कुछ जानलेवा या फिर कोई कमजोर चीज है नहीं इसके लिए। और गाइस पानी के अंदर इसका अपोनेंट अगर चला जाए और बहुत स्पीड से तैरने लगे तो ये पानी के अंदर भी कूद जाएगा, और उससे भी कई गुना ज़्यादा स्पीड से पानी के अंदर स्विम कर सकता है, इतना इसके पास पावर्स हैं। अब गाइस अगर मैं आपको अपना ओपिनियन बताऊँ तो मुझे ये एलियन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर मुझे 5 में से कोई रेट करना होगा तो मैं इसको 4 जरूर दूंगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा देखने में अच्छा है, बहुत ज़्यादा खतरनाक भी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।